हैप्पी सैबत। खुदावन के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुश हैं कि आप सब एक बार फिर से हमारे साथ आज की इबादत में शामिल हो सकते हैं। आए सब अपने सरों को झुकाएं और इबादत का आगाज़ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाल आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया है। खुदावंद आज की सर दिन भर की मदद और हिफाजत के लिए आए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे तेरा पाक सब्बत है तो आए खुदावंद हम तेरे हजूर में आते हैं। सुनासी तूने हमें चुना तेरे, हाय खुदावंद हम आके इबादत परस्तिश कर सकते हैं। सुनासी तेरी इस नियमत के लिए, इस बरकत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। सुनासी तूने हमें अपने लिए चुना। आए खुदावंद आज की इबादत में शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक हमारी बहुत मदद हिफाजत करना। जो कुछ भी हम तेरे हजूर में पेश करें उसको तो कबूल ठहराना। आए खुदावंद जितने भी लोग आज की इबादत को सुने और आए खुदावंद जी उनको कसर से बरकत अता फरमाना। हमारी इबादत को शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक तेरे हाथों में सौंप देते हैं और जहाँ कहीं भी आए खुदावंद पाक सब्बत की इबादत हो रही है तो आए खुदावंद हर एक जगह को तेरे नाम से प्रोटेक्ट कर देते हैं। कोई भी शैतान की ताकत और आए खुदावंद जी दूसरी कौमों की बुरी नज़रें उन पर हमलावर ना हो सके। यीशु नासरी हर एक को ब्लेस कर और अपने परों में छुपाए रख। सब कुछ मांगते यीशु मसीह के कादर और जलाल नाम से, आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम को खोलें। मत्ती रसूल की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके तीसरी आयत तक। उस वक्त फरीसियों और फकीयों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं इन घड़ियों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी। हम हरगिज इस काबिल ना थे लेकिन तेरी नहाय शफकत है प्यारे बाप कि तू हम जैसे गुनाहगारों को मौका देता है कि तौबा करें और नजात हासिल करें। प्यारे बाप हम बार हा तेरी राहों से भटक जाते हैं, हम तुझे भूल जाते हैं, अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, लेकिन तू शफीक बाप है, तू हरगिज हमें नहीं भूलता प्यारे बाप। तेरे आगे मिन्नत करते हैं तो हमारे दिलों की तकदीस कर प्यारे बाप, हम तेरे पीछे चलने वाले हों प्यारे बाप। तेरे आगे मिन्नत करती हूँ आज के खादम के लिए जो तेरा कलाम पेश करे प्यारे बाप वो 100 गुना फल लाने वाला हो प्यारे बाप। तो अपने बंदे के साथ हो सर से लेके पांव तक प्यारे बाप, वो तेरा बंदा ना बोले बल्कि तू उसमें होकर बोले प्यारे बाप। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करती हूँ ख़ास तौर पर बीमारों के लिए, तो अपना पाक शफा वाला हाथ बढ़ा उन्हें मकम्मल शफा दे प्यारे बाप। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करती हूँ तो जितने अजीज़ हमारे साथ शामिल हैं प्यारे बाप तो सबको ए नाम बनाम बरकत दे। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करती हूँ जहाँ कहीं भी इबादत हो रही है प्यारे बाप, तेरा रूह वहाँ ठहरा रहे प्यारे बाप। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करती हूँ टीनेज बच्चों के लिए, उनके भी साथ हो जो तेरी राह से भटक गए हैं प्यारे बाप, उन्हें राय रास्ते पर ला प्यारे बाप। प्यारे बाप हम गुनहगार हैं तो हमारे गुनाहों के सुरों को माफ़ कर दे प्यारे बाप। तेरे आगे मिन्नत करते तो हम सबके साथ हो प्यारे बाप, तो हमारी इस छोटी सी इल्तजा को सुन और कबूल कर, मांग लेते हैं प्यारे बेटे का नाम लेके, आमीन। आज की इबादत में जो हम आपके लिए गीत पेश करने जा रहे हैं उसके राइटर जॉन यकूब हैं, कंपोजर सोहेल गिल हैं और उसके गीत के परस्तार जो हैं उस्ताद महबूब गिल हैं और उनके साथ अलिशबा इकबाल हैं। हम उम्मीद करते हैं आप गीत से बरकत पाएंगे। थैंक यू सो मच। जेकर भरोसा तेरा है, यहोवा जेकर भरोसा तेरा, कोल तेरे ना आएगी कभी भी बाबा, है यहोवा जेकर भरोसा तेरा। Thank you.
ना डरावेगी। रात दी है बत कोई कोल तेरे ना आवेगी आफत कोई। ना डरावेगी रात दी है बत कोई कोल तेरे ना आवेगी आफत कोई। ना ये सूदा ना ये सूदा ना ये सूदा करेगा दूर हर बला। है यहोवा तुझे कर भरोसा तेरा। तेरी ढाल छुपावेगा तेनू अपने परां दे नाल। फरिश्ता यहोवा दा फरिश्ता यहोवा दा फरिश्ता यहोवा दा तेरी राखी करेगा सदा। है यहोवा तुझे कर भरोसा तेरा। छड़ दुनिया नू आ जा यीशु दे हजूर। वो करेगा ते थो वबाले से नू दूर। छड़ दुनिया नू आ जा यीशु दे हजूर। वो करेगा ते थो वबाले से नू दूर। मनोहर सच्चा है मनोहर सच्चा है मनोहर सच्चा है हर एक वादा उसदा। है यहोवा तुझे कर भरोसा तेरा। है यहोवा तुझे कर भरोसा तेरा। है यहोवा तुझे कर भरोसा तेरा। आए खुदा उनके हुजूर सर झुकाएं और दुआ करें। ज़मीन आसमान के खालक और मालिक खुदावंद तेरी तमजीद तेरी स्ताइश हो। खुदावंद इस वक्त तेरे सामने सरबशूद हूँ और खुदावंद अपने आप को तेरे सपुर्द करता हूँ। सर से लेकर पांव तक खुदावंद अपने पाक रूह से मामूर कर और खुदावंद अपने अल्फाज अता फरमा ताकि खुदावंद जो ही तेरे कलाम को खोलते हैं तो खुदावंद सब तेरे जलाल के लिए हो। एक एक बात खुदावंद तेरे नाम के जलाल के लिए हो खुदावंद। और खुदावंद सुनने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ देखने वालों के लिए बरकत चाहता हूँ खुदावंद। तो उन्हें भी अपने कलाम को समझने वाला दिल अता फरमा ताकि खुदावंद तेरे कलाम को समझ कर खुदावंद उसे खुदावंद अपनी जिंदगियों में अपना सकें। खुदावंद ये सब कुछ हम तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं आमीन। अमूमन आपने चार अनाजील का जिक्र सुना है जो कलाम मुकद्दस में हमें नए अदनामे मिलती हैं। लेकिन रवायात के मुताबिक कुछ और अनाजील भी हैं जो हम नए अदनामे में नहीं पाते। और वो रवायात जो हैं या जिन्हें रवायती तौर पर ये अनाजील ही समझा जाता है उनमें से ऐसी ऐसी बातें हैं जो अक्सर हम कलाम में नहीं पाते हैं। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्या शेयर करना चाहता हूं और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक वाक्या है
जो यूं बयान किया जाता है कि मसीह यसु अभी शीरगी के आलम ही में थे, शीरखारी के आलम ही में थे कि उन्होंने एक नदी के किनारे जाकर तो मट्टी ली, उस मट्टी को पानी में मिलाया और उसके बाद उनसे 12 चिड़ियां बनाई। और कहा जाता है कि वो सबत का दिन था और सबत वाले दिन मसीह यीशु ने शीरखारी के आलम में वो 12 चिड़ियां बनाई। जब किसी यहूदी शख्स ने इसे देखा तो उसने जाके अपने आलमों को बताया कि इस तरह फलां फलां बच्चा जो है वो जाकर तो उसने इस तरह सबत वाले दिन किया है। और उन्होंने जो यहूदी रहनुमा थे उन्होंने आकर तो मसीह यीशु के बाप जो दुनियावी बाप है यूसुफ उससे आकर शिकवा किया या शिकायत की कि तेरा बेटा सबत वाले दिन ये काम कर रहा है। याद रखें ये उम्र का जो वक्त है वो शीर खारगी है, यानी अभी मसीह यीशु दूध पीते ही उम्र में ही ये मौजजा दिखा रहे हैं इस अंजील के मुताबिक। तो जब उन यहूदी लोगों ने आके इस तरह गिला शिकवा किया तो यूसुफ अपने बेटे के पास गया और उसे डांटा कि तूने सबक की बेहरमती क्यों की है। तो जब मसीह यीशु ने उनकी ये बातें सुनी तो मसीह यीशु ने कहा जाता है कि ताली बजाई और चिड़ियों से कहा जाओ, और वो चिड़ियां जो थी वो फौरन उठ गईं और वहां एक और शख्स का भी जिक्र बयान किया गया है जिसका नाम हननिया है और वो फरीसी था, उसका बेटा जो था वो भी वहां मौजूद था। तो जब उसके बेटे ने देखा कि मसीह यीशु ने ये सब किया है तो उसे गुस्सा आया, या तो उसने जो मट्टी और पानी इकट्ठा करके मसीह यीशु ने रखा हुआ था जिसके साथ चिड़ियां बनाई थी उसको बिखेर दिया। और जब मसीह यीशु ने देखा कि ये उस शख्स ने बिखेर दिया है तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि जिस अब से लेकर तू कभी ना तुझ पर कोई शाख आएगी और ना तू फल लाएगा। और रिवायत के मुताबिक कहा जाता है कि वो शख्स वहीं सूख गया। और जब लोगों ने देखा तो वो फिर यूसुफ के पास गिला शिकवा करने चले गए। याद रखें कि ये जो है महज एक रिवायत है और ये कलाम जो हम पढ़ते हैं, जो जिंदा कलाम हमारे पास मौजूद है उसमें ये शामिल नहीं है। एक और ऐसी ही बात जो अक्सर हम रिवायतन सुनते हैं, ट्रेडिशनल कहानी सुनते हैं, वो मसीह यीशु के जन्म के मुतालिक है। आपने मसीह यीशु का जन्म की कहानी सुनी है कि किस तरह जब मसीह यीशु की पैदाइश हुई तो वो एक सराय में मसीह यीशु ने जन्म लिया, एक अस्तबल में, सराय के अस्तबल में मसीह यीशु ने जन्म लिया और शहर बैतलहम में जाकर ये सब वाक्य हुआ। लेकिन ये रवायत जो है जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं वो बयान करती है कि जब हुक्म हुआ मरियम और यूसुफ को कि वो अपने अबाई गांव में जाकर अपने नाम लिखवाएं तो वो जब जा रहे थे तो रास्ते में यरूशलम और बैतलहम के दरमियान कोई ऐसी जगह आई जहां मरियम का वजह हम का वक्त आ पहुंचा और यूसुफ अब परेशानी की हालत में
मरियम को वहां एक गार में छोड़ कर जाते हैं और वो जाकर एक दाई का बंदोबस्त करने की कोशिश करते हैं या दाई को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान इससे पेशतर के यूसुफ दाई को साथ लेकर वापस आए, मसीह यीशु का गार में जन्म हो चुका है और वो दाई जब आई तो उसने देखा कि बच्चा तो पहले ही पैदा हो चुका है, तो उसने ये कहा कि खुदावन तेरे नाम को जलाल हो क्योंकि मैंने तेरी नजात देख ली है। अब इन दो वाक्यात को जब हम गौर से देखते हैं तो ये दीगर अनाजील जो मत्ती और लुका में मसीह यीशु की पैदाइश का जिक्र है उनसे कुछ रबत नहीं रखती, उनसे कुछ ताल्लुक ही नहीं है, कुछ उनसे मेल मिलाप ही नहीं है और ये महज एक मनगढ़ कहानी कहानी बनाई गई है जो लोगों ने रवायतन आगे फैलाई है। और पहला वाक्य जो है वो थोमा रसूल की इंजील से मंसूब किया जाता है, कहा जाता है कि ये इंजील जो है वो जिसमें ये मसीह यीशु के चिड़िया बनाने का जिक्र है वो थोमा रसूल ने लिखी है। और दूसरा वाक्य जो मरियम की पैदाइश का यीशु मसीह की पैदाइश का वाक्य है वो वाक्य जो है याकूब जो कि मसीह यीशु के भाई हैं उनसे मंसूब किया जाता है। अजीजों ऐसी बेशुमार रवायात हैं जो हमें कलीसिया में मिलती हैं। आज चंद लम्हों के लिए हम गौर करें कि क्या हमने कलामे मुकद्दस को अपनाना है या हमने रवायात की पैरवी करनी है। रवायात हैं क्या या रवायत किसे हम कहते हैं? रवायत जो यहूदी अकीदा के मुताबिक जो थी जो जो, जो रवायत से वो मतलब लेते थे वो ये था कि जो यहूदी बुजुर्गों की तालीमात थी वो उन्हें रवायत समझते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो उनसे वो रिवायत से मुराद लेते थे वो ये था कि जो माजी में काजियों ने कोई फैसले किए थे उनके फैसलों की वो तमसील लेकर मिसालें लेकर आगे जब फैसले करते थे तो वो उनको रिवायतन बयान करते थे कि रिवायत ये है कि ऐसा हुआ और ऐसा हुआ लिहाजा ये ऐसा होना चाहिए। उसके बाद दीनी उल्मा की तफसीरें जो हैं वो उनको रिवायत के तौर पर भी लेते। अब जब कुलाम की बात आती तो बयान करते जी फलां फलां शख्स ने फलां आलम ने ये ऐसी बात कही थी लिहाजा ये ऐसे हो सकता है। अब मसला ये है कि हम जब कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो हम किस तरह मुतालिया करते हैं? क्या हम बुजुर्गों की तालीमात को मुकदम रखते हैं या खुदा के कलाम को या क्या हम काजियों या जजों के फैसलों को लोगों के फैसलों को सामने रखकर खुदा का कलाम समझने की कोशिश करते हैं या कलाम ही के वसीले से हम अपने खुदा के कलाम को समझना चाहते हैं? एक तीसरी बात जो है वो तफसीर हैं। बेशक तफसीरें हमें समझने में मदद फरमाती हैं लेकिन बाजों का तफसीर जो हैं वो गलत भी होती हैं, लिहाजा हमें ये समझने की जरूरत है कि हम क्योंकि खुदावन का कलाम अपनी तफसीर खुद ही करता है। जब हम खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं तो उसके मानी जो हैं वो खुदा उनके कलाम के वसीले से हम समझ सकते हैं, लिहाजा हमें जो हमारा भरोसा है हमारा तवक्कुल जो है वो सिर्फ इन तीन चीज़ों पर नहीं होना चाहिए बल्कि खुदा उनके कलाम के वसीले से हम खुदा उनके कलाम को समझने की कोशिश करें। और जब हम ईमान के साथ दुआ करते हैं
तो खुदावंद का रूह हमें खुदावंद का कलाम समझाता है, वो हमारे ख्यालात को जानता है और वो हमारे दिल को जानता है। जब हम संजीदगी से खुदावंद के कलाम को समझने की कोशिश करते हैं तो खुदा खुद हमें अपना कलाम समझाता है अपने रूह के वसीले से। गलतियों उसका पहला बाप और उसकी 14वीं आयत पौलुस रसूल की जिंदगी का मुतालिक है और वो फरमाते हैं, और मैं यहूदी तरीक में अपनी कौम के अक्सर हम उम्रों से बढ़ता जाता था और अपने बुजुर्गों की रवायतों में नहायत सरगर्म था। आखिरी हिस्सा जो है उसमें यूं लिखा है, अपने बुजुर्गों की रवायतों में नहायत सरगर्म था। लिहाजा पौलुस रसूल की जो जिंदगी है वो बड़ी जोशीली जिंदगी है, और हम देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने बयान किया है कि वो जो बुजुर्गों की रस्में थी, जो रिवायतें थी, जो यहूदियों में ये समझी जाती थी जिन पर अमले जामा पहनाना चाहिए था, जो यहूदी अक्सर रिवायतें जो है वो मानते थे, पौलुस रसूल उन सब को मानते थे और अपनी जो रवायती जिंदगी है वो बसर करते थे। लिहाजा मसीह यीशु के मिलने से पेशतर उनकी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी, वो भी आम शख्सियात की तरह, आम एक यहूदी शख्स की तरह जो बुजुर्गों की रवायतें थी उनको बहुत अहमियत देते थे। लेकिन मसीह यीशु ने ऐसा नहीं हमें करने को कहा। गैर यहूदी रिवायत से क्या मुराद लेते थे? यहूदी जैसा हमने समझा देखा है कि वो बुजुर्गों की तालीमात को, काजियों के फैसलों को और दीनी उलमा की तफासीर को रिवायत समझते थे। तो गैर यहूदी लोग जो थे, जो अभी मसीहत में आए ही थे, वो इससे क्या मुराद लेते थे? गैर यहूदियों में ज्यादातर यूनानी और रोमी ही थे और वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को और शागिर्दों की तालीमात को जो गैर तहरीरी थी अमूमन रवायात के तौर पर लेते थे। तहरीरी जो अनाजील थी या खतूत थे वो नहीं, बल्कि जो गैर तहरीरी जो बातें उन मसीह यीशु ने कही और वो तहरीर नहीं की गई, या शागिर्दों ने जो कुछ कुछ सिखाया और वो कहीं दर्ज नहीं है, तो वो जो कलीसियाई इब्तदाई कलीसिया के लोग थे वो उन्हें रिवायत के तौर पर लेते थे। फिर कलीसिया के मुख्तलिफ काउंसिलों के फैसले जो थे वो भी वो बतौर रिवायत लेते थे, और मुख्तलिफ कलीसियाई रहनुमाओं की तालीमात जो थी वो उन्हें बतौर रिवायत लेते थे। जब हम देखते हैं कि मसीहत में ये चीजें मौजूद थी, रिवायत की पैरवी की जा रही थी, कलाम रफ्ता रफ्ता पीछे चलता गया और रिवायत जो है वो आगे बढ़ती गई, लोग रवायात की तरफ ज्यादा तरजीह देने लगे कि फलां शख्स ने ऐसे कहा है और फलां शख्स ने ऐसे कहा है। और एक वक्त ऐसा आया कि जब कलीसिया का रहनुमा मसलन पोप या कोई और जो रहनुमा था वो ये कह देता तो वो बात मुस्तनद समझी जाती। लेकिन क्या हर रहनुमा जो है, हर आलम जो है, वो कलाम जो करता है वो खुदावंद के कलाम के बराबर हो सकता है? नहीं। बेशक ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ऐसी रवायात हैं जो हमें, जिनकी पैरवी हमें करनी चाहिए, लेकिन खुदावंद ने हमें ये रूह बख्शा है, खुदावंद ने हमें ये समझ बख्शी है ताकि हम ये फैसला कर सकें कि हमने क्या कुछ
फॉलो करना है या किस चीज की पैरवी करनी है, क्या किस रिवायत को हमने अपनाना है और किस रिवायत को हमने तर्क करना है, क्योंकि रवायात अक्सर गलत भी हो सकती हैं और वो हमें खुदा से दूर भी लेके जा सकती हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसी रवायात बना रखी हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं। रवायात के मुतलक कलाम मुकद्दस में 13 मरतबा जिक्र आया है और उनमें से 3 ऐसे हवाला जात हैं जिनमें खुदावन के अहकाम जो गैर तहरीरी अहकाम है या रसूलों के अहकाम है उनका जिक्र आया है। पहला करिन्थियों 11वां बाब और उसकी दूसरी आयत, दूसरा थसलुनीकियों 2 बाब और उसकी 15वीं आयत, फिर दूसरा थसलुनीकियों 3 बाब और 6 आयत। इन तीनों हवालों में हम रसूलों की तालीमात को जाहिर होता हुआ पाते हैं, लिहाजा उनकी ये गैर तहरीरी तालीमात थी जो शुरू में कलीसिया में मौजूद थी तो कलीसिया उसको उसकी पैरवी करती थी। यीशु मसीह ने हमें रवायात का पाबंद नहीं किया, यीशु ने हमें रवायात का पाबंद नहीं किया। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं यूहन्ना 2 बाब और उसकी 23 से 28 आयत तक हम ये वाक्या पढ़ते हैं कि मसीह यीशु के शागिर्द सबत वाले दिन आ रहे थे खेतों में और उन्होंने वो गंदम की बालें तोड़कर तो खाना शुरू कर दी, और जब फकीहों फरीसियों ने ये देखा तो उन्होंने मसीह यीशु से ये शिकायत की कि तेरे शागिर्द सबत वाले दिन ऐसा काम करते हैं, यानी सबत को तोड़ते हैं। उसके बाद एक और वाक्या है, मसीह यीशु अपने शागिर्दों के साथ हैं और बरकत 7वां बाब और 1 आयत से लेकर 5 आयत तक खाने से पहले हाथ क्यों नहीं धोते हैं। तो मसीह यीशु ने ये साबित कर दिया कि ये महज रवायात थी, सफाई बेशक लाजिम है लेकिन जिस तरीके से ये हाथ धोना समझा जाता था, एक खास तरीका था जो अपनाकर हाथ धोए जाते थे, वो एक रस्म के तौर पर धोए जाते थे, लिहाजा वो लाजमी नहीं था। रवायात की पाबंदी हमें नहीं करनी बल्कि हमें खुदावन के कलाम को मुकद्दम रखना है ताकि जो खुदा का कलाम कहता है हम उस पर अमल कर सकें। हम ये ना कहें कि फलां शख्स ने ऐसा कहा, फलां कलीसिया के फलां बुजुर्ग ने ऐसा कहा, तो इस तरह हम खुदावन से दूर हो सकते हैं। रवायत का क्या खतरा हो सकता है? रवायत की वजह से हम खुदा के कलाम की तालीमात से दूर हो सकते हैं, क्योंकि हम जब हम रवायात को मुकदम रखेंगे तो हम खुदावन के कलाम को समझने के बजाय हम उन रवायात पर ही अमल करते जाएंगे और उन्हीं रवायात को ही हम नजर के सामने हमेशा रखेंगे कि ये फलां शख्स ने ऐसे कहा है या फलां रवायत ऐसी चली आ रही है। तो लिहाजा हमें खुदावन के कलाम का पाबंद होना चाहिए ना कि रवायात का। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रवायात की वजह से दुनियावी तर्ज इबादत की तरफ हम रागिब हो सकते हैं और ये माजी में देखा जा चुका है। बनी इसराइल जब भी खुदावन से दूर हुए तो ये दुनियावी रस्म और रिवाज की वजह से, उन्होंने भी अपने आप को चाहा कि वो खुदा के लोग रहने के बजाय दूसरी कौमों के खुदाओं की जिस तरह लोग इबादत करते हैं वो भी उसकी इबादत उसी तरह करें। लिहाजा दुनियावी रवायात जो हैं वो हमें खुदावन की इबादत जो दुरुस्त तरीके के तौर पर हम इबादत करते हैं
उससे हमें दूर ले जा सकती हैं। रवायात खुदा के कलाम की नफी भी करती हैं, क्योंकि हम यही कहेंगे कि फलां शख्स ने ये रवायत बयान की है, लिहाजा इस रवायत के मुताबिक ऐसा है। लेकिन खुदावन का कलाम कुछ मुख्तलिफ कहता है। जब भी हम बात करें तो हम ये मुकदम रखें कि खुदावन का कलाम ऐसे कहता है या खुदावन के कलाम में ये लिखा है। और मसीह यसु ने इसकी बड़ी खूबसूरत मिसाल पेश की। जब मसीह यसु को आजमाया गया तो मसीह यसु ने तीनों बार कहा कि लिखा है, यानी खुदा के कलाम में लिखा है। ये नहीं कहा कि फलां शख्स ने ऐसे कहा है, फलां शख्स ने ऐसे कहा है, लेकिन ये कहा कि लिखा है। लिहाजा जब हम कोई बात करते हैं, किसी बात का हवाला देते हैं, तो हम हमेशा ये कहने वाले हों कि खुदावन के कलाम में लिखा है। और अगर किसी रवायत को हम बयान करते हैं तो वो खुदावन के कलाम के साथ मुताबिकत रखती है, तो फिर वो दुरुस्त है। अगर वो खुदावन के कलाम के साथ मुताबिकत नहीं रखती तो वो रिवायत जो है वो गलत है। हमें उस रिवायत को तर्क करना है। आज कलीसिया में बेशुमार ऐसी रवायात हैं जिसको हम अगर संजीदगी से परखें तो हमें मालूम हो जाएगा कि इस रवायत को हमें तर्क करना है। पतरस रसूल के बारे हम देखते हैं और पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों का हुक्म की नस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है। लिहाजा हमें वो रवायात जो कलीसिया हमें देती है, खास तौर पर जो अपने आप को मादर कलीसिया कहती है, वो जो हमें रवायात देती है, हमें उनको फॉलो करने के बजाय, उसकी पैरवी करने के बजाय, हमें खुदा उनके कलाम की तरफ आना है। हमें ये देखना है कि खुदा उनका कलाम हमें क्या समझाता है, खुदा उनका कलाम इसके बारे हमें क्या कहता है। अजीजो, आए आज हम फैसला करें, आए आज हम इस बात का फैसला करें कि हम खुदावन के कलाम को हमेशा मुकद्दम रखेंगे। खुदावन के कलाम ही की मर्जी के मुताबिक हम हर फैसला करेंगे, ना कि हम रवायात के मुताबिक। खुदावन आप सबको बड़ी कसरत से बरकत दे, ताकि जब आप कोई बात करते हैं तो हम खुदावन के कलाम को कदम रख सकें। आमीन। अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। कादरी मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा एक बार फिर शुक्र करते हैं कि तूने ये हमें वक्त दिया कि हम खुदावन्द तेरे कलाम में से सीख सके। तेरे कलाम में से जो कुछ सीखा है खुदावन्द, हमारी मदद फरमा ताकि हम तेरे कलाम को हमेशा मुकदम रखें, तेरे कलाम को अवलियत दें, और खुदावन्द दुनियावी रस्म व रिवाज को खुदावन्द हम पहले ना रखें, बल्कि हमेशा हमारी नज़रें जो हैं खुदावन्द तेरे कलाम पर लगी रहें। हमारा जो भी फैसला हो खुदावन्द, वो तेरे कलाम की मर्जी के मुताबिक हो। खुदावन्द एक बार फिर तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए खुदावन्द दुआ करता हूँ, सबको बड़ी कसरत से बरकत दे। खुदावन्द तमाम बीमारों के लिए ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ, जो भी कोई बीमार है खुदावन्द उसे शफा अता फरमा, ख़ास तौर पे वो लोग जो खुदावन्द इस वबा की वजह से बीमार हैं, खुदावन्द तूने शफा अता फरमा। तो अपना हाथ बढ़ा खुदावन्द, तेरा हाथ कमज़ोर नहीं जो शफा ना दे सकते, बल्कि हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा खुदावन्द तुझ पर है। खुदावन्द तू रहम कर। खुदावन्द इस मिनिस्ट्री के लिए खुदावन्द ख़ास तौर पे तुझसे मिन्नत करता हूँ, खुदावन्द इसे बाबरकत बना। खुदावन्द तू रहम कर। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन्द यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत और रफाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ
और तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।